एडोल्फ हिटलर दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा नफरत किए जाने वाले पुरुषों में से एक हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ अच्छी बातें भी थी। किसी के पास ज़्यादा रोशनी होती है तो किसी के पास ज़्यादा अंधेरा। कहने की जरूरत नहीं कि हिटलर दूसरे तरह का आदमी था। हिटलर कम उम्र में कुछ ज़्यादा ही नशा करता था, लेकिन जर्मनी के चांसलर बनने के बाद वे धूम्रपान के कट्टर विरोधी हो गए। उसने सोचा कि सिगरेट पैसे बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करती। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाकर नशा विरोधी अभियान भी चलाया था। हिटलर, जिसे आम लोगों के लिए बहुत कम दया थी, लाखों यहूदियों को खत्म करने के में संकोच नहीं करता था। आश्चर्यजनक रूप से जानवरों के प्रति संवेदनशील था। वे उन पर किसी भी तरह के वैज्ञानिक प्रयोगों के सख्त खिलाफ थे। वो मछली और मांस को नहीं छूता था। युद्ध के बाद हिटलर शाकाहार को जर्मनी की राष्ट्रीय नीति घोषित करना चाहता था। हिटलर के दो पसंदीदा कुत्ते ब्लॉन्डी और बेला थे। प्यारे ब्लॉन्डी को आत्महत्या करने से पहले हिटलर ने मार डाला था, ताकि कुत्ते को उसके बिना न रहना पड़े। हिटलर प्रसिद्ध जर्मन चित्रकारों का अंध प्रशंसक था। राजनीति में आने से पहले हिटलर पेंटर बनना चाहता था। उन्होंने पेंटिंग का अध्ययन करने के लिए वियना स्कूल ऑफ आर्ट में भी दो बार आवेदन किया। दोनों बार उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। हिटलर ने जर्मनी में अपना शासन स्थापित करने के तुरंत बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय ऋणों को रद्द कर दिया। जर्मनी की अपनी मुद्रा पेश की और आम लोगों के लिए एक राष्ट्रीय आर्थिक परियोजना बनाई। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण, नई सड़कों, पुलों, नहरों के निर्माण, बंदरगाहों के निर्माण, घरों और सरकारी कार्यालयों के पुनर्निर्माण जैसे मूलभूत कार्यों पर विचार किया। इस योजना में जर्मन सरकार आम लोगों को वेतन के रूप में लेबर ट्रेजरी सर्टिफिकेट प्रदान करती थी। ये प्रमाण पत्र एक आम आदमी द्वारा सरकार को दिए गए श्रम या सम्मान का प्रमाण था। जब इन प्रमाण पत्रों के धारक इन प्रमाण पत्रों को मुद्रा के रूप में कहीं और उपयोग करते हैं। केवल 5 वर्षों में जर्मनी यूरोप के सबसे गरीब देश से अमीर देश बन गया। बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह से खत्म कर दी गई। हिटलर ने चतुराई से माल की मांग और आपूर्ति को एक साथ बढ़ाकर कीमतों को स्थिर रखा। जर्मनी उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक था, जब तक उसने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हथियारों का निर्माण शुरू नहीं किया। हिटलर के तहत जर्मन लोगों ने उस समय यूरोप में सबसे बड़ी निर्माण परियोजना में से एक के रूप में राष्ट्रीय सड़क प्रणाली को देखा। जर्मनी के सबसे दूर के हिस्से इस सड़क से जुड़े हुए हैं। पूरे देश में एकीकृत सड़क परिवहन प्रणाली विकसित की गई थी और यह सब हिटलर के दिमाग की उपज थी।